हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शायन एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या हम लोगों को अल्कोहल इंटेक करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? मुझको पीना है, पीने दो, मुझको जीना है, जीने दो, मुझको पीना है, पीने दो, मुझको जीना है, जीने दो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप अल्कोहल इंटेक करते हैं, चाहे वो लाइट हो या फिर मीडियम हो या फिर जो है आप एक हेवी ड्रिंकर हो, तो अल्कोहल का क्या इफेक्ट आपके बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर में पड़ता है, आपके लिए अल्कोहल इंटेक करना ठीक रहेगा या फिर जो है आपको अल्कोहल इंटेक नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि मैं कल फिर आप लोगों के लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को अल्कोहल के बारे में बताने वाला हूं, आपको अल्कोहल इंटेक करना चाहिए या फिर नहीं, अगर आप इंटेक करते हो तो आपका अल्कोहल कंजम्पशन लेवल क्या रहना चाहिए, और फाइनली अल्कोहल का इफेक्ट हम लोगों के बॉडी के ऊपर में क्या पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्कोहल क्या चीज है, अल्कोहल बनता कैसा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अल्कोहल की मेन इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल के अंदर में हम लोगों को मेनली इथानॉल मिलता है, जो कि एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है, और ये बेसिकली जो है फर्मेंटेशन करके तैयार किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आप मान लो बियर की बात करते हैं या फिर विस्की की बात करते हैं या फिर टकीला की बात करते हैं, तो इन सब चीजों के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें सबसे कम जो है हम लोगों को बियर में मिलता है, जिसका अल्कोहल परसेंटेज है ऑलमोस्ट 3-5%। और फ्रेंड्स, ऐसा दुनिया भर के सर्वे करके देखा गया है कि अल्कोहल जो है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर रिक्रिएशनल ड्रग में से माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अल्कोहल इंटेक करते हैं तो हम लोगों के शरीर के अंदर में अल्कोहल का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग लीवर की बात कर लेते हैं, क्योंकि लीवर हम लोगों के बॉडी के वो हिस्सा है या फिर वो ऑर्गन है जो कि हम जितने भी खाना खाते हैं उसके अंदर में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसे लीवर जो है वो न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर फ्रेंड्स हम लोग अल्कोहल को इंटेक करते हैं तो अल्कोहल का जो है बहुत ही भारी असर हम लोग के शरीर के अंदर लीवर के अंदर में पड़ता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, लीवर के अंदर में जितने भी लिविंग सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक लाइट ड्रिंकर भी हो या फिर आप जो है 16 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल को कंज्यूम करते हो तो इसमें भी जो है 90% लोगों में से फैटी एसिड का बीमारी या फिर डिजीज जो है देखने को मिला है। और अगर आप एक हेवी ड्रंकर हो तो आपका जो है लीवर परमानेंटली डैमेज हो सकता है, आपके लीवर के अंदर में सिरोसिस हो सकता है, मतलब आपके लीवर के अंदर में जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो सब मारे डेड हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपके लीवर के अंदर में ऊंड या फिर आप इसे घाव या फिर स्कर्स जो है कह सकते हैं वो होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और अगर आपका आपको एक बार जो है लीवर सिरोसिस हो जाता है तो आपके पास और कोई चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि ये जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है इसको ठीक करने का, सिर्फ एक ही रास्ता आपके पास खुला रहता है, वो है आपको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या फिर आपको जो है लीवर बदलना पड़ेगा, जो कि बहुत ही एक क्रिटिकल ऑपरेशन है और बहुत ही पैसे खर्च करने वाला एक ऑपरेशन भी है। तो फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट आता है हम लोग का ब्रेन यानी कि दिमाग। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही होगा अक्सर के लोग, अगर आप एक शर्मीले किस्म का आदमी हो, आप एक शाइफुल पर्सन हो, तो दारू पीने के बाद आपके अंदर में जान आ जाता है, हिम्मत आ जाती है, या फिर लोग को जो करना नहीं चाहिए वो अल्कोहल इंटेक करने के बाद जो है वो कर बैठता है, या फिर उसको जो बोलना नहीं चाहिए वो बोल देता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल का जो है एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट हम लोगों के दिमाग में पड़ता है। अगर हम लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग के दिमाग के अंदर में जितने भी सारे सेल्स है उसके अंदर में एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो पैदा होता है। और यहाँ तक कि अगर आप एक लाइट ड्रिंकर हो तो आपको जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकती है, या फिर अगर आप हेवी ड्रिंकर हो तो आपका जो है परमानेंट मेमोरी लॉस भी
हो सकता है। फ्रेंड्स अगली पॉइंट है कि अगर हम अल्कोहल इंटेक करते हैं तो उसके साथ साथ बॉडी वेट का क्या कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एक लाइट ड्रिंकर है या फिर आप एक लाइट परिमाण में अल्कोहल को इंटेक करते हो तो आपको जो है यहाँ पे वो आपके सेहत के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पे जो है वो अल्कोहल अगर लाइट इंटेक करते हो तो आपको जो है इंक्रीज्ड बॉडी वेट का जो है फिकर नहीं रहता है। लेकिन अगर आप एक फैटी किस्म का आदमी हो या फिर आपका जो है वेट है वो बहुत ही ज्यादा है तो यहाँ पे आपको जो है अल्कोहल एकदम भी इंटेक नहीं करना चाहिए। और अगर आप बहुत ही ज्यादा परिमाण में अल्कोहल इंटेक करते हो तो आपका जो बॉडी वेट है वो भी इंक्रीज हो सकता है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट आता है हार्ट कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, अल्कोहल कंजम्पशन के साथ इसका क्या कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे भी अगर आप लाइट इंटेक करते हैं तो यहाँ पे ये आपके हार्ट के लिए आपके सेहत के लिए जो है अल्कोहल इंटेक लाइट परिमाण में अच्छा ही रहेगा। यहाँ पे जो है हमारा ब्लड प्रेशर अगर हम लाइट क्वांटिटी में अल्कोहल को इंटेक करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कभी इंक्रीज नहीं करेगा। और ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रॉब्लम रहता है खास करके ज्यादा उम्र के आदमियों में वो दिखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम हाई क्वांटिटीज में अल्कोहल को इंटेक करते हैं तो वहां पे जो है हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर हम एक रेगुलर रूटीन में के लाइट क्वांटिटी में अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो हम लोगों के हार्ट के लिए जो अच्छा रहता है एचडीएल कोलेस्टेरॉल वो भी ठीक ठाक पैदा होता है या फिर उसका क्वांटिटी जो भी है वो इंक्रीज होता है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट पे आता है शुगर, जो कि बहुत ही आजकल के डेट में बहुत ही लोगों में ये बीमारी जो है ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे मतलब डायबिटीज की बात हम कर रहे हैं, शायद शुगर के नाम से कोई इसे नहीं जानता है तो इसलिए जो है मेडिकल जो टर्म है डायबिटीज मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन हम लोग के डायबिटीज, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है तो आपके लिए कितना अच्छा है या फिर आपके लिए जो है बुरा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे भी जो है पूरा वही हार्ट में जैसा है वही यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर आप लाइट क्वांटिटीज में अल्कोहल को कंजम करते हो तो वो आपको शुगर लेवल मेंटेन करके यानी कि आपका ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसे मेंटेन करने में आपको हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ज्यादा इंटेक करते हो तो वो आपको जो है यहाँ पे भारी प्रॉब्लम पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं बताना भूल गया था शायद आप लोगों को वो ये है कि अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमन हो, मतलब ये खाली औरत लोगों के लिए लागू होता है, तो आपको क्या अल्कोहल कंजम्पशन करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे? तो फ्रेंड्स नहीं, यहाँ पे अगर आप अल्कोहल को कंजम करते हो तो आपके जो बच्चे होने वाले हैं वहां पे जो है उसके दिमाग या फिर उसके शरीर में जो है अल्कोहल का एडवर्स इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपके बच्चे जो होने वाले हैं वो लूला लंगड़ा यानी कि हैंडीकैप भी पैदा हो सकता है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है अल्कोहल एंड कैंसर, अगर आप दारू पीते हो तो आपको कैंसर होने का चांसेस कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लाइट ड्रिंकर भी हो, लाइट ड्रंकर भी हो, तब भी जो है आपको यहाँ पे 5% चांसेस रहता है कैंसर होने का। और अगर आप दारू इंटेक करते हो तो यहाँ पे आपका गला, फेफड़े, लीवर, मुंह को जो है कैंसर हो सकता है। और अगर आप एक बहुत ही हेवी ड्रिंकर है या फिर बिंज ड्रिंकर है तो यहाँ पे जो है कैंसर होने का चांसेस 5 times और इंक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है कि अगर आप दारू पीते हो तो उसका इफेक्ट आपके मौत के साथ क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि यूएस में ऐसा हम लोगों ने देखा है कि कुछ डॉक्टर्स है वो ये मानते हैं कि सिर्फ यूएस से नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में डॉक्टर्स लोग ये मानते हैं कि अगर आप अल्कोहल लाइट क्वांटिटीज में या फिर रेगुलरली लाइट क्वांटिटीज में इंटेक करते हो तो वो जो है आपका प्री मैच्योर डेथ को प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हो तो यहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने तो देख ही लिया है कि अगर हम लोग दारू पीते हैं या फिर विस्की अल्कोहल इंटेक करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट हम लोगों के शरीर के ऊपर, कौन से ऑर्गेन के ऊपर जो है क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर में इतना बुराइयां है तब भी लोग पीते क्यों है, अल्कोहल को क्यों कंज्यूम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग कारण के लिए पीते हैं। किसी का काम का इतना चाप रहता है, इतना बर्डन रहता है, इतना स्ट्रेस रहता है तो वहां पे वो कुछ हल्का होने के लिए जो दारू पीता है, कोई है अपना गम भुलाने के लिए पीता है।
कोई है मजे करने के लिए पीता है और कोई है कुछ कारण नहीं है, बस ऐसे ही पीना चाहिए तो पीता है। तो चलो आप दारू छोड़ नहीं सकते हो, आपको दारू लेना पसंद है, आप अल्कोहल के बिना रह नहीं सकते हो, तो अगर आप लेते हो, अब ये देख लेते हैं कि अगर आप लेते हो तो कितने क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम करना आपके शरीर के लिए ठीक रहेगा या फिर आपको स्वास्थ्य का कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैंडर्ड पैक क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऐसा माना जाता है यूएस के अंदर में कि वो है कि जिसके अंदर में आपको 16 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल मिलता है या फिर 0.4 औंसेस ऑफ लिक्वर मिलता है आपको। तो फ्रेंड्स अगर आप एक एडल्ट मेल हो तो आपके लिए स्टैंडर्ड साइज में डेली 2 पैक ठीक रहेगा, और अगर आप एक एडल्ट वुमेन हो तो आपके लिए डेली 1 स्टैंडर्ड साइज ड्रिंक ठीक रहेगा। इससे ज्यादा या फिर अगर आप 3 से 4 लेते हो तो आपके शरीर को जो है ये हानि पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो के एकदम लास्ट कंक्लूशन स्टेज में हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक फ्री का सलाह, फ्री का एडवाइस जो है वो देने वाला हूं, चाहे तो आप ले लो वरना ना लो। मेरा एडवाइस ये है कि सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप अल्कोहल कंज्यूम करना छोड़ दो, अल्कोहल को टाटा बाय बाय बोल दो, अल्कोहल को नो नो कह दो, क्योंकि अल्कोहल जो है वो हम लोगों के शरीर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको आदत पड़ गई है, आपको अल्कोहल कंज्यूम करना अच्छा लगता है, तो आप जो है रेगुलरली स्टैंडर्ड लिमिटेड क्वांटिटीज में लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज ज्यादा हमारे शरीर के लिए जो है अच्छा नहीं है। अगर आपको पीना पसंद है तो पीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी डेली 1 स्टैंडर्ड साइजेस या फिर 2 स्टैंडर्ड साइजेस क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल को कंज्यूम कीजिए, इससे ज्यादा तो बिल्कुल ही मत कीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो, इंटरेस्टिंग सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है, कोई सवाल है या फिर कुछ सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हैं, जिसके लिए मैं वेट करता रहूंगा और जितनी जल्दी हो सके मैं आप लोगों को रिप्लाई भी देने वाला हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है फटाफट से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कल फिर आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और पीस।